दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम का केवाईसी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देते देते आप थक चुके हैं, फिर भी आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि वीडियो केवाईसी कैसे किया जाता है, यानी फुल केवाईसी कैसे किया जाता है पेटीएम का। यहाँ पर रखते हैं मेरा, यहाँ पर केवाईसी रखते हैं वेरीफाइड, यहाँ पर लिख रहा है, यानी आपका भी इस तरह का टिक लगने वाला है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। क्योंकि यूट्यूब पे काफी सारे यहाँ पे वीडियो बने हुए हैं, जाते होंगे आपका समय वेस्ट हो जाता है, लेकिन आप इस वीडियो पे समय देख देखिए, सिर्फ 4 मिनट आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगा। और क्या होने वाला है इस वीडियो में आपका पता लग जाएगा, क्योंकि न्यू अपडेट आ गया है वीडियो केवाईसी करने के लिए, कैसे आपको क्या करना है, अब पूरी जानकारी देने वाले आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। नहीं आप सभी को पता होगा कि पेटीएम पर केवाईसी काफी दिनों से बंद है। क्यों बंद है? इस पे आरबीआई ने बंद कर रखा है पेटीएम केवाईसी। कब चालू होगा, चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। यानी पेटीएम का जो कस्टमर केयर है उससे मैं बात करता हूँ, आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, मैं बात करूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से क्या वहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि पेटीएम का कस्टमर केयर पास के कॉल करने के लिए आपके पास दिमाग नहीं है तो कॉल भी नहीं कर सकते हैं। मैं कॉल किया, बात किया, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है जो आपका टाइम पास करने के लिए, कोई केवाईसी यहाँ पे अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन कब चालू होगा ये वीडियो में बताया गया। चलिए मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी पूछना चाह रहे हैं कि केवाईसी अभी नहीं हो रहा है पेटीएम पे? केवाईसी नहीं हो रही है जी, वही पूछना चाह रहे हैं। मेरा तो केवाईसी है, लेकिन मेरा एक भाई का नंबर उस पे नहीं हो रहा। जी, तो माफी चाहते हैं, आपको परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से आपको की जाएगी सूचना। तो आपके भाई का नंबर जो दूसरा है उस पर केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं आप, राइट? जी जी जी। पेटी अकाउंट बनाया है या बिन केवाईसी है उनके नंबर पर? जी नया अकाउंट खोला है। नया अकाउंट है जी। जी सोनू कुमार जी बात कर रहे हैं? जी जी जी। तो माफी चाहेंगे सर, अगर आपके ब्रदर का नया अकाउंट है तो माफी चाहेंगे, अभी नए कस्टमर के लिए केवाईसी ऑनबोर्डिंग की जो रिक्वेस्ट है ना सर, वो अभी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ठीक है सर, इस वजह से आरबीआई की डायरेक्शन की वजह से कंपनी की वजह से भी बंद है, तो अभी की वजह नहीं हो पाएगी आपके ब्रदर के नंबर पर। तो आप जो है जब की वजह से स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद ही कर सकते हैं, बाकी एक बार आप उनके नंबर से कॉल कर लीजिए, हम उनके अकाउंट का चेक कर लेते हैं की वजह हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर बिल्कुल फ्रेश है तो नहीं हो पाएगी सर अकाउंट में की वजह से, मिन की वजह होती है तभी हो सकती है। अगर मिनी के वाई सी है उसका हो सकता है? अगर मिनी के वैसी है जिसके लिए 10,000 की होती है तो हो सकती है। पेटीएम का कस्टमर केयर से मैं आपको लाइव प्रूफ बात करके दिखा दिया हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा पेटीएम का केवाईसी क्यों अभी नहीं हो रहा है। पहले ये बात करते हैं कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियो अपलोड है सब पैसा के चक्कर में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये अपडेट आ गया, वो अपडेट आ गया, कुछ नहीं अपडेट आया, घंटा भी अपडेट नहीं आया है। यहाँ पे पेटीएम का केवाईसी अभी चालू नहीं हुआ है। मैंने ये भी पूछा कस्टमर केयर से कि 5-6 महीने पहले से ही बंद है, तो उसने बोला हाँ बंद है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनली अपडेट है कि कब चालू होने वाला, वो अपडेट अभी निकल के नहीं आया है। तो इसलिए वीडियो देखना बंद करिए, और पेटीएम का केवाईसी अगर मिनी केवाईसी आपका है तो यहाँ पर फुल केवाईसी उसको कर सकते हैं, उसको फुल केवाईसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका न्यू अकाउंट है बिल्कुल फ्रेश, तो अकाउंट ओपन करके सिर्फ वॉलेट एक्टिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो एक्टिव कर सकते हैं सिर्फ। यहाँ पर वीडियो केवाईसी अभी नहीं हो रहा है, यानी केवाईसी पेटीएम का नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। कोई भी वीडियो देखिए, फालतू का टाइम वेस्ट मत करिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। आपका अगर मिनी केवाईसी है तो इस तरह का शो होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। पेटीएम को ओपन करना, ओपन करने को जाना प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना, जाना है प्रश्न प्रोफाइल सेटिंग पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ प्रश्न इस तरह आएगा, फिर जाना प्रोफाइल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेगा देखते हैं आपको चेक करना इस तरीके से, देखते हैं वेरीफाइड यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट है, यानी मेरा फुल केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट है। फुल केवाईसी है तो देखते हैं टिक लगा हुआ है, और नीचे में देखते हैं वॉलेट एक्टिव यहाँ पर हो चुका है। अगर आपका केवाईसी यहाँ पे नहीं है तो इस तरीका का शो होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं एक्टिव करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखते हैं केवाईसी कहाँ पर देखते हैं अपडेट है। तो अगर आपका केवाईसी नहीं है तो इस तरीका का शो होगा, अगर आपका मिनी केवाईसी है तो इस तरीका का शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपग्रेड पर क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर या पैन नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको एक सेल्फी लेना होगा,
वीडियो के वाइसी कंप्लीट कर लीजिएगा एक सेल्फी लेने के बाद। बहुत इजी है, नहीं आपको आता है करने तो कमेंट करिएगा बहुत सारे, मैं आपको जाऊंगा वीडियो बना दूंगा। तो देख सकते हैं इस तरीके का शो होगा। अब केवाईसी अगर आपका कंप्लीट है तो टिक लगा होगा इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आया है, फालतू का वीडियो देखना बंद करिए, और जैसे ही न्यू अपडेट आता है जब से चालू होगा इसी चैनल पर आपको रियल वीडियो देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि कब वीडियो केवाईसी चालू होगा, कैसे क्या करना है। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप किसी का नंबर चेक करना चाहते हैं कि उसका मिनी केवाईसी है, आपको पता नहीं करने आ रहा है, तो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं जाके। कैसे बात करना है, ऑलरेडी मेरा इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, कैसा ये अपडेट लगा, कैसा ये वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जो लिखेगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा या कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।